सो गाइस, नोवल इंडिकल फ्लैग सीरीज के एपिसोड की शुरुआत में हमें जीए और यूएन को एक दूसरे के साथ में फाइट करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ तक कि अब तो यूएन का ब्रेसलेट भी टूट चुका था, यानी कि अब वो चाहकर भी जीए को दोबारा से ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि ड्रैगन ब्लड कर्स ने उसको पूरी तरीके से पजेस कर लिया था। इसीलिए वो भी यहाँ पर निडर होकर यूएन के साथ में फाइट कर रहा था। साथ ही उसकी भी पावर्स नॉर्मल फाइटर से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन यूएन के पास में उसके ग्रेटेस्ट वॉर्ड होने की वजह से उसका दाव थोड़ा सा भारी पड़ रहा था। तभी असोले जीए को चिल्लाते हुए उससे कहता है कि तुम्हें इससे जागना होगा, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम कभी भी गलत काम नहीं करोगे और किसी के भी बहकावे में नहीं आओगे, इसीलिए तुम्हें ड्रैगन ब्लड कर्स से बाहर निकलना ही होगा और तुम भूलकर भी उसकी शील्ड को ब्रेक मत कर देना, क्योंकि ये तुम्हारी डेस्टिनी बिल्कुल भी नहीं है। ड्रैगन ब्लड कर्स तुम्हें अंदर से करप्ट कर देगा, लेकिन तुम्हें वैसा बनना नहीं है। तभी जीए को अपने मास्टर की कही गई बातें याद आने लगती है। अगर तुम कभी भी और कोई भी वेपन उठाते हो तो उसका मतलब यही होता है कि जरूर तुम किसी को मारने के लिए जा रहे हो। जैसे ही तुम्हारे हाथ में ये ग्रेट स्वॉर्ड आएगी, तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे, तुम अपने ही गुस्से पर काबू नहीं कर पाओगे। इसीलिए मास्टर ने उसको इस चीज से निकलने का रास्ता पहले ही बता दिया था। तुम जितना ज्यादा गुस्सा करोगे ये तुम्हारे ऊपर उतना ही ज्यादा हावी होते जाएगा, इसीलिए तुम्हें उस चीज को याद करना होगा जो कि तुम्हारे गुस्से से भी ज्यादा बड़ी है, वो वक्त जो कि तुम्हें तड़पने पर मजबूर कर देता है। ये पल जीए के लिए वही है जब उसकी मॉम को मार दिया गया था, जिनको जीए चाहकर भी नहीं बचा सका। उसी की आंखों के सामने उन्हें कुएं में फेंक दिया गया था, क्योंकि जीए के पिता मिस्टर जी उसको और उसकी माँ को अपने ऊपर एक बोझ समझते थे, और यही वो चीजें जो कि जीए के मन में सबसे ज्यादा नफरत पैदा करती है, जिससे कि अब जीए को अपनी रियलिटी में होश आने लगा था। लेकिन उसी वक्त यूएन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि जीए काफी बड़े पिलर से जाकर टकराता है। साथ ही अब उसके हाथों से उसका वो स्पीयर भी छूट चुका था, और अब मौका मिल चुका था यूएन को उसे खत्म करने का, इसीलिए वो काफी तेजी के साथ में आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जीए यूएन के अटैक से बचते हुए तुरंत ही अपने स्पीयर के पास में पहुंचकर उसको पकड़ता है, और उसके मन में जो उसकी नफरत भरी हुई थी अब वो उसे अपनी कमजोरी मानकर नहीं बल्कि अपनी ताकत मानकर यूज करता है, जिससे कि अब उसका ये स्पीयर एक बर्निंग स्पीयर में बदल चुका था जो कि उसके दुश्मन को जलाकर राख कर देगा। इसीलिए वो अपनी सुपर फास्ट स्पीड से जाकर यूएन के ऊपर अटैक कर देता है, और ये अटैक किया गया था उसके हाथ के ऊपर, जिससे कि यूएन का एक हाथ कटकर ही अलग हो जाता है, जिससे कि यूएन को गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। और फाइनली जीए ने यहाँ पर यूएन को हरा ही दिया था, साथ ही वो खुद भी काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और उसकी बॉडी से वो पजेशन भी निकल जाता है जो कि अभी उसके ऊपर सवार था, जिससे कि वो वहीं पर गिर जाता है। और तभी उसे उठाने के लिए वहाँ पर असूले और यूरेन दोनों ही पहुँच जाते हैं। यूरेन जीए को उठाती है तो जीए उन दोनों से ही कहता है कि मुझे ये बताओ आखिर अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ में हुआ क्या था, क्योंकि असल में जीए के ऊपर जो पजेशन हो चुका था उसकी वजह से अब उसे कुछ भी याद नहीं रहता, और इसी से अब उसका सर भी बहुत ही ज्यादा चकरा रहा था। वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा दिमाग किसी और के ही काबू में हो। तो यूरेन उसे कहते हैं कि तुम ज्यादा बात मत करो, हम तुम्हें यहाँ से किसी सेफ जगह पे ले जाएंगे, और वैसे भी हमने अब तो अपने दुश्मन को भी हरा दिया है। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो असूले उन लोगों से कहता है कि अगर हम लोग यहाँ से चले गए तो ड्रैगन ब्लड कर्स सील का क्या होगा, और वो लोग देखते हैं कि यूएन अब दोबारा से खड़ा हो चुका है अपनी स्वॉर्ड को लेकर, और वो उन तीनों से ही कहता है कि तुम मुझे घायल करके यहाँ से जाना चाहते हो, तुम लोगों को क्या लगता है क्या ये इतना ज्यादा आसान होगा? एक घायल शेर तब तक हार नहीं मानता जब तक उसकी जान ना चली जाए या फिर वो अपने दुश्मन को खत्म ना कर दे, इसीलिए मुझे यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस तलवार की प्यास को बुझाने के लिए तुम्हारा बलिदान दे दूँ। इसीलिए वो गुस्से के साथ में दोबारा से उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी यूएन को अपनी माँ की आवाज आती है और वो उससे कहती है कि रुक जाओ यूएन, अब बस बहुत हो चुका है, तुम्हें अपनी ये स्वॉर्ड नीचे डाल देनी चाहिए। असूले कहता है कि ये तो सो जीए आ गई है कि यहाँ पर केवल यूएन को ही रोकने के लिए आई थी, और वो यूएन से कहती है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी और इस श्रापित तलवार को उठा लिया सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपने आप को साबित कर सको, मुझे इसकी जरूरत नहीं है कि तुम ऐसा करो। तो यूएन चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी आगे जो होगा वो तो आपसे देखा भी नहीं जाएगा। तो जीए यूएन से कहते हैं कि तुम तो अपने पिता की तरह बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि वो कभी भी इस तरीके से राक्षस नहीं बने थे और ना ही उन्होंने कभी अपनी तलवार को किसी निर्दोष को मारने के लिए उठाया, तुम एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हो जिसका कोई भी अंत नहीं है। तो यूएन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अभी उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, मैं एक सेलेस्टियल बनकर इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहता हूँ, और मुझे यकीन है कि मेरे पिताजी की तलवार मेरा सपना पूरा कराने में जरूर मेरी मदद करेगी, क्योंकि तभी इस दुनिया का भला हो सकता है और तभी मैं इस दुनिया को बचा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पिताजी की आखिरी ख्वाहिश ही यही थी, जिसके बारे में शायद तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं होगा, क्योंकि इस दुनिया पर राज करना ही मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। जीए उससे कहती है कि तुम सच्चाई से अभी तक अनजान हो, तुम्हारे लिए ये जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारे पिताजी ने मरते वक्त आकर मुझसे
से क्या कहा था। वो केवल इतना ही चाहते थे कि तुम एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपनी जिंदगी को जियो, अपने बचपन की यादों के साथ में बड़े हो। लेकिन यूयन अपने गुस्से की वजह से जियो के कंधे पर अपनी तलवार को रख देता है, जिससे कि उसको काफी ज्यादा खून बहने लगा था। जियो कहती है कि वो चाहते थे कि तुम एक अच्छी जिंदगी को जियो। यूयन कहता है कि बहुत हो चुका झूठ, और वो अपनी तलवार से काफी गहरा घाव लगा देता है जियो को। लेकिन अब अपनी माँ के खून को देखकर यूयन काफी दिल पिघलने लगा था। जियो यूयन से कहती है कि असलियत तो ये है, ऐसा करने के लिए तुमसे किसी ने भी नहीं कहा। तो यूयन कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे पिता मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते थे। तो जियो उससे कहती है कि तुम मुझे खुद ही बताओ कि इस दुनिया में आखिर ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो कि अपने बच्चे को एक राक्षस बनाएंगे, उससे ऐसा गलत काम कराने के बारे में सोचेंगे। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, आखिर क्यों ही चाहेंगे कि उनका बेटा दर्द और पीड़ा में बड़ा हो। इसीलिए तुम्हारे पिता ये कभी भी नहीं चाहते थे कि उनकी रिंच तुम्हें दी जाए। उन्होंने उम्मीद की थी कि तुम एक आजादी की जिंदगी जियो। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी परवरिश ठीक तरीके से ना कर सकी, इसीलिए हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि इस दर्द को मैं हमेशा ही अपने साथ में लेकर घूमूंगी। और इतना सब कुछ सुनने के बाद यूयन जियो से कहता है कि लेकिन अब मैं यहाँ से वापस नहीं लौट सकता, मैं चाहूँ भी तो इस तलवार को अपने हाथों से नहीं निकाल सकता कि मैं अपने आप को कंट्रोल करना भूल चुका हूँ, अब ये तलवार मुझे कंट्रोल करती है। तो जियो से कहती है कि अगर ऐसा है तो इसे जरा मुझे संभालने दो, और वो उस तलवार को अपने हाथों में लेकर यहाँ से दूर फेंक देती है, जिससे भले ही उसको पेन हुआ था लेकिन वो उसको संभाल लेती है। साथ ही इसकी वजह से यूयन की बॉडी में सारा का सारा भरा हुआ रेड ऑरा भी बाहर निकलने लगता है, क्योंकि अब उसने इस स्वॉर्ड को त्याग दिया था। जियो यूयन से कहती है कि मैं और तुम्हारे पिता हमेशा ही तुम्हें चाहते थे। यूयन जियो से कहता है कि लॉर्ड ने कहा था कि इस तलवार के अंदर मेरे पिता की सोल रहती है, इसीलिए मैं तो उन्हें केवल जस्ट एक बार देखना चाहता था, लेकिन मैं इस बात से डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने कभी भी मुझे मुड़कर देखा ही नहीं। और शायद वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं इस स्वॉर्ड को उठाऊं। लेकिन अब फाइनली मास्टर यू चैंग जी यूयन की तरफ पलट कर देख ही जाते हैं। इसलिए यूयन खुश होते हुए कहता है कि पिताजी फाइनली आपने मुझे पहचान ही लिया, जिसके फिर तुरंत ही बाद वो अनकॉन्शियस हो जाता है। और जियो इन सभी के सभी लोगों से कहते हैं कि अब तुम लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें एक बहुत ही खतरनाक डेमोनिक बीस्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग उसकी फाइट को देखना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो।